नमस्कार, श्याम आईएएस में आप सभी का विशेष स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग अभी जो है समीक्षा अधिकारी 2016 के प्रश्नों पर भी डिस्कस किए, और आपको बता दूं कि लोकसभा आयोग के जो जितने भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुए हैं, उन प्रीलिम्स एग्ज़ामों में अभी तक का जो सबसे टफ पेपर देखने को मिला है वो है समीक्षा अधिकारी 2016 को, जिसको आप लोगों ने हल कर लिया। ये श्रृंखला जो चल रही है स्पेशली आरओ को टारगेट करते हुए कि प्रश्नों को आप देखिए, प्रारूप को देखिए एक बार। दरअसल होता यह है कि हम कमरे पे बैठे बैठे चीज़ों को केयर नहीं कर पाते हैं, हम उतने गहराई से ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बेहतर होगा और हम लोग बहुत अच्छा करेंगे आने वाली परीक्षाओं में, और उम्मीद है कि हम लोग सिलेक्शन श्योर लेंगे, ये निश्चित है। बशर्ते एक नियमित रेगुलरिटी के साथ, नियमित टेबुलेशन के साथ आप जो है अपनी स्टडी करते रहिए। तो आइए हम लोग डिस्कस करना आज का शुरू करते हैं। इधर देखिए, मिलान करने वाला पहला क्वेश्चन आपको मिल गया। पहला ही क्वेश्चन आपको मिलान करना है, आचार्य और सिद्धांत। तो लकुलिस किससे संबंधित है, नागार्जुन किससे संबंधित है, भद्रबाहु, कुशाल। देखिए, नागार्जुन को सब लोग अमूमन जानते हैं कि नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रणेता है। तो क्या देखिए इससे हमारा आंसर निकल पा रहा है कि बी का टू। अब हम लोग जब बी का टू लगाए तो दो विकल्प मिल गए, बी और सी दोनों विकल्प आ रहे हैं। अब ऐसे में ये संभव नहीं है कि हम लोग अब इसका आंसर दे पाएंगे। अब हमको कम से कम एक जो है और भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, जो लकुलिस हैं ये सौ संप्रदाय के पाशुपत, जो पाशुपत शैव संप्रदाय था उससे संबंधित थे। किससे थे, तो दो जानकारी मिली। तो एक का थ्री होना चाहिए, बी का टू होना चाहिए। तो ए का थ्री और बी का टू विकल्प बी में है। अब हम लोगों का आंसर हो गया। अब आगे अगर हम मिलाएं चाहे ना मिलाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मिला लेते हैं। जो भद्रबाहु हैं ये जैन मुनि हैं, और घोषाल जो कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संबंधित है, आजीवक संप्रदाय से। तो ये पहले क्वेश्चन का हम लोगों ने हल कर लिया। निकट में से किस शासक ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, गोपाल, देवपाल, महीपाल, धर्मपाल। तो आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा आपने कि 775 से 800 ईस्वी के मध्य में पाल वंश के शासक किसने, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और ये भी जानते हैं आप कि ये कहाँ था, बिहार के भागलपुर ज़िले में। लेकिन 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो कि एक आक्रमणकारी था, उसने क्या कर दिया था, इस विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। आज ये विश्वविद्यालय हम लोग के बीच में नहीं है उस तरीके का। मगध यूनिवर्सिटी का भी पुनरुद्धार किया जा रहा है, मगध विश्वविद्यालय का भी इसने नष्ट किया। ये कहा जाता है कि बोधगया में जो मूल बोध वृक्ष था उसको भी कटवा दिया था। तो कई सारे जो है कार्य इसके जो जाने जाते हैं, इसीलिए बख्तियार खिलजी एक विनाशक के रूप में जाना जाता है। चंदेल शासकों का कालानुक्रम कीजिए। तो देखिए, इतिहास में डेट का बहुत बड़ा महत्व है। तो जब भी हिस्ट्री पढ़िए तो एक शार्ट नोट्स अपनी डायरी में ज़रूर बनाते चलिए। शासकों का कालक्रम, उन शासकों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं। जैसे मान लीजिए हम इसी को पढ़ रहे हैं, हम चंदेल शासक के बारे में, तो चंदेल शासकों में बहुत संक्षिप्त आपको इतिहास मिलता है। तो आप उस संक्षिप्त को नोट वाइज कर लीजिए, शासक और किस शासक का महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, ये सब मेन मेन उपलब्धियाँ, उससे संबंधित युद्ध, यही सब तो इतिहास में जो है रटना होता है जो हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको जो है विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग कवर करें। कहानियाँ तो देखिए याद रहती हैं, कहानियाँ अगर हैं तो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आइए फिलहाल आंसर दिया जाए। देखिए, जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन का काल है 1925 से 1950, इसका कार्य है 1925 से 1950 का कार्यकाल है। जो धंगदेव है, धंग इसका कार्यकाल रहा है 950 से 1003, इसके बाद ये राजा बनता है, 1003 इसका कार्यकाल रहा है।
फिर उसके बाद विद्याधर राजा बनता है, और विद्याधर 1017 से लेकर के 1029, 1017 से 29 विद्याधर का, आकृति वर्मा जो 1060 से 1100, 1060 से 1100 कीर्ति वर्मा। तो ये जो है महत्वपूर्ण। अब देखिए, तो पहले नंबर पे यशो वर्मा हो जाएगा यानी 3, दूसरे नंबर पे धंग होगा यानी 3-2, और फिर विद्याधर 1, फिर 4, तो 3-2-1-4 अर्थात विकल्प ए सही है। गुर्जर प्रतिहास शासकों में किसकी उपाधि आदि बराहती। देखिए कितना छोटा छोटा चैप्टर उठा रहा है हिस्ट्री में आपको, जहाँ हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, जो है बड़े बड़े चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। गुर्जर प्रतिहार से पूछ लिया, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि बराहती। तो गुर्जर प्रतिहार में जैसे आप मीर भोज के बारे में आप जानते होंगे कि मीर भोज जो है इस वंश में सबसे महान राजा था, और मिहिर भोज ने भगवान विष्णु, वो किसका भक्त था, भगवान विष्णु का, उसी ने जो है आदि बराह की उपाधि धारण की है। किसने? मिहिर भोज ने। किस बिहार के किस जिले में 100 घंटे में 11,244 टॉयलेट निर्माण करके रिकॉर्ड स्थापित किया था। तो हालांकि ये करंट अफेयर्स का सवाल है, उस समय जो है ये गोपालगंज जिला था। कौन सा? गोपालगंज जिला। तो इसको देख लेंगे आप। अब करंट इश्यू से इस तरह की घटनाओं को बहुत जोड़ के चलना है, तो जल्द ही आपको अब टारगेट बेस्ड करंट अफेयर्स मिलने वाला है, जो जिसमें BEO, RO और PCS प्रीलिम्स, ये सारी परीक्षाओं को हम लोग करेंगे। तो हम PCS प्री को टारगेट करके देंगे, तो बाकी सारे परीक्षाओं का आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। अगला है, सही सुमेलित नहीं है, नासिक गौतमी पुत्र सतकड़ी सही है, हाथी गुम्पा खारवेल ये भी सही है, भित्री पुलकेशिन द्वितीय गलत है, और गिरनार रुद्रदामन प्रथम ये भी सही है। तो देखिए भित्री में कौन था, तो यहाँ पर था स्कंद गुप्त। यहाँ पर कौन था? स्कंद गुप्त, ठीक, ये था स्कंद गुप्त। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यात्री और देश। इब्न बतूता किस देश का था? मोरक्को यात्री, प्रसिद्ध मोरक्को यात्री सही है, मोरक्को ये भी सही था। मार्को पोलो इटली का, ये भी सही है। और अब्दुल रज्जाक तुर्की का था? नहीं, अब्दुल रज्जाक एक ईरानी यात्री था। कैसा यात्री था? ये ईरान से आया था, जबकि नूनीज जो है 1535 से 37 ईस्वी में पुर्तगाली एक था। तो इब्न बतूता जो कि 1333 से 1342 के समय में आया था मोरक्को से, मार्को पोलो जो कि 1228 से 1292 में इटली से, अब्दुल रजाक 1442 से 1443 ईस्वी ईरान से, और नीच 1535 से 37 ईस्वी पुर्तगाल से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। अब घटना है उस पर विचार करना। मुगल तुगलक, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगान षड्यंत्र, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या, तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए मिलान करिए क्या होगा। तो देखिए इस घटना में अगर देखा जाए, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है सर्वप्रथम होता है, फिर उसके बाद जो है दूसरी घटना है अलाउद्दीन खिलजी की हत्या, फिर उसके बाद अफगान षड्यंत्र होता है, फिर उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण। इसमें जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागी दिल्ली कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागी दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, नासिरुद्दीन। इसमें जो देखिए चिश्ती संतों में जो नासिरुद्दीन थे, कौन थे? नासिरुद्दीन, जिन्हें चिराग दिल्ली कहा जाता है, क्योंकि ये 14वीं शताब्दी के एक रहस्यमयी कवि थे तथा चिश्ती संत भी थे, और ये निजाम मौलिया के शिष्य भी थे। इन्हें रोशन चिराग की उपाधि से नवाजा गया।
निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जारी किया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने? यह क्वेश्चन जो है कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको बाद में मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में, इसका मतलब है बुद्ध धर्म और संघ। क्या था? बुद्ध धम्म और संघ। तो कहते हैं ना, बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी, इस तरह के जो प्रेयर्स होते हैं, ये त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध धम्म और संघ। सूची एक को दो से मिलान करना है आपको। सूची एक रणथंभौर कर्णदेव, चित्तौड़ राजा राय चंद रामचंद्र, देवगिरी हमीर देव, गुजरात राणा रतन सिंह। ठीक, तो रणथंभौर जो कि हमीर देव का क्षेत्र है, किसका क्षेत्र है? हमीर देव का। और जो चित्तौड़ है, ये राजा रतन सिंह से संबंधित हैं। देवगिरी से संबंधित कौन था? देवगिरी से संबंधित राजा रामचंद्र। और गुजरात से संबंधित कौन है? कर्णदेव, जो कि बघेल राजपूत थे। तो रणथंभौर से हमीर देव, अर्थात एक का थ्री। तो एक का थ्री जो है उम्मीद है कि एक ही विकल्प में है, इसलिए डी आंसर हो गया हमारा पहले में ही। क्लियर। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? एफजीआई सलाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो देखिए, जांच समिति में कौन नहीं था? तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में चंपारण में रूपी बागान मालिकों ने किसानों से क्या कर लिया था? अनुबंध करा लिया था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। इससे क्या हुआ कि वहाँ के किसानों की स्थिति दयनीय होती गई, जो खाद्यान्न है, अनाज नहीं मिलता था भोजन के लिए, क्योंकि नील की खेती करना अनिवार्य था, और साथ ही साथ औने पौने दाम पर ही नील खरीद लिया जाता था, उससे भी उनको बहुत बड़ा लाभ नहीं, यानी मुद्रा भी नहीं अर्जित हुई, लाभ भी नहीं मिला कि जिससे अब खाद्यान्न को खरीद सकें। तो चंपारण में जो कि राजकुमार शुक्ल वहाँ का उसमें नेतृत्व कर रहे थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया, और 1917 में जब महात्मा गांधी जाते हैं तो चंपारण, वहीं पहला सत्याग्रह उन्होंने किया था चंपारण में, और सरकार के विरोध महात्मा गांधी के द्वारा वहीं जताया जाता है सत्याग्रह में, और अंग्रेज़ों के आदेश से मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर जो है एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें एफजी सलाई, डीजे रीड, महात्मा गांधी, ये जो है जांच समिति के अध्यक्ष सदस्य बने, और एक आयोग का गठन हुआ, और अंततः गांधी जी की बात को स्वीकार किया गया, और चंपारण पहला आंदोलन गांधी का सफल हुआ। तो ये इसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे। कौन नहीं थे? अनुग्रह नारायण नहीं थे। क्योंकि घटनाओं पर विचार कीजिए, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, देखो जो नेहरू रिपोर्ट है वो 28 अगस्त 1928 को आई थी। कब आई थी ये? 28 अगस्त 1928। और जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 7 सितंबर 1931 में हुआ था। कब हुआ था ये? 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और जो सांप्रदायिक पंचाट आया था ये 16 अगस्त 1932 को आया था। 16 अगस्त 1932 को। देखिए, इसमें सबसे पहले हुआ नेहरू रिपोर्ट, जो कि 28 अगस्त 1928 को, अर्थात पहले नंबर पे चार होगा, और चार नंबर दो विकल्पों में दिया हुआ है। फिर देखिए दूसरे पर आया गांधी इरविन समझौता, यानी चार के बाद एक, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर आया था क्या हुआ?
उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, फिर गांधी इरविन समझौता हो गया। क्लियर। तो सर्वप्रथम ये घटनाएं आप नोट कर लेंगे। तो ये घटनाओं का जो है नोट्स, शार्ट नोट्स आपको बना लेना चाहिए पूरा डेट वाइज, यहाँ से यूपी कमीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आधुनिक जो आंदोलन से रिलेटेड जितनी घटनाएं रही हैं उन घटनाओं का एक एक चार्ट एक पेज में आप बना लेंगे तो ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जी के गोखले, सी आर दास, बी सी पाल, बी जी तिलक। तो देखिए जब सुभाष चंद्र बोस हालांकि आंदोलन में आते हैं तो इनके जो गुरु बनते हैं चित्तरंजन दास, इन्हें सी आर दास कहा गया। तो इनसे प्रेरित होकर के ये काम करना चाहते थे। बाद में जो 20 जुलाई 1921 को गांधी जी के साथ मुलाकात में उन्होंने गांधी जी से चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। ठीक, तो ये बहुत सारे आंदोलन, तो इनका क्या है सी आर दास। सूची एक को दो से मिलान करना है, विद्रोह और कब उन कब विद्रोह हुआ। चलिए आइए देखते हैं, ये विद्रोहों का डेट भी हमको नोट करना है रजिस्टर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न हम से आते रहते हैं, पूछे जाते रहते हैं, पीसीएसपी यानी लोकसभा आयोग की जितनी भी परीक्षा है सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए जो अहम विद्रोह है ये 1828 ईस्वी में हुआ। कब हुआ ये? 1828 ईस्वी में। और जो कोल विद्रोह हुआ था ये 1831-32 में हुआ। फिर जो संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में हुआ, 1855-56 के दौर में। और जो मोपला विद्रोह 1921 में। तो देखिए जो अहोम विद्रोह असम में हुआ था किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। और जो कोल विद्रोह हुआ छोटा नागपुर के क्षेत्र में सुरगा और सिंगराय के नेतृत्व में। और संथाल विद्रोह जो हुआ था सिद्धू तथा कान्हो के नेतृत्व में। मोपला केरल के मालाबार क्षेत्र में। अब देखिए ए का टू बी का फोर। तो ए का टू बी का फोर पहले ही विकल्प दिया हुआ है, तो हमारा पहला आंसर हो गया सी का वन डी का थ्री। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो ये दीवाने कोही किससे संबंधित था, क्या था ये? तो दीवाने कोही जो है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापना की गई थी इसकी। और यह एक मालगुजारी की व्यवस्था का देखभाल करने वाला तथा भूमि को खेती के योग्य बनाना, तो कृषि विभाग से रिलेटेड था। लेकिन किसके विभाग में, किसके समय में स्थापित हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये जो है जब अंग्रेज गांधी जी की लोकप्रियता से परेशान होने लगे तो अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का प्रयोग जेल में गांधी जी का आमरण अनशन के लिए करते थे। लेकिन इतना लोग जो जेल में भर जाते थे उससे भी परेशान हो जाते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। मुख्य घटनाओं पर विचार कीजिए, अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। तो देखिए जो सांप्रदायिक निर्णय या पूना पैक्ट, अगस्त प्रस्ताव, चलिए सबका क्रम कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो सबसे पहले की घटना है, तीन घटनाएं एक ही शान की हैं, 1932 में ही। अगस्त प्रस्ताव भी 1932 में आया, पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी पूना जो 1932 में हुआ। अब क्या किया जाए? तो जो अगस्त प्रस्ताव है ये 16 अगस्त को 1932 में हुआ। कब हुआ ये? 16 अगस्त 1932 को हुआ। फिर पूना जो पैक्ट है
पूना पैक्ट, ये कब हुआ? 24 सितंबर को, 24 सितंबर 1932 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ। और सांप्रदायिक निर्णय ये कब आया? 8 अगस्त जो अगस्त प्रस्ताव है 1940 का है, ठीक है, तो ये कब आया था? 8 अगस्त 1940 को, सॉरी माफ़ करिएगा, जो अगस्त प्रस्ताव था ये 8 अगस्त 1940 का आया था। अब पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, जबकि सांप्रदायिक जो निर्णय आया था वह है 16 अगस्त 1932 में। अब देखिए सबसे पहले हो जाएगा, क्योंकि अगस्त ये भी 32 में, ये भी 32 में, ये भी 32 में, तो अगस्त पहले होगा यानी 4, फिर उसके बाद सितंबर आएगा यानी 2, उसके बाद नवंबर यानी 3, 4 2 3 1, 4 2 3 1, अर्थात आंसर क्या हो गया? बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन के समय, क्या ये सुमेलित है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के समय, राज्य पहरा रणनीति डलहौजी के समय, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो फिर गलत क्या है? गलत इसमें क्या है? अरे भाई लिटन नहीं, रिपन, इसके जगह पे कौन था? रिपन था। तो लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय शोषण स्वशासन आया था, कब? 1882 में। और जबकि सहायक संधि हुई थी 1798 में वेलेजली के समय, और राज्य प्रहरण नीति 1848 में, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। सूची एक को दो से मिलान करना है, समाचार दर्पण है, केसरी है, यंग इंडिया है, इनका मिलान कर। यंग इंडिया को सब लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ कि सबको पता होगा, और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी का है। अब क्या डी के 3 कर लेने से हमारा आंसर आ जाएगा? नहीं आया। अब क्या करें? तो ए में भी है, डी में, इससे ये पहुंच गए हम लोग, या तो विकल्प ए सही होगा या तो विकल्प डी सही होगा। और केसरी को भी सब लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का, डी जी तिलक का, तो सी का 2 होना चाहिए, तो सी का 2 विकल्प डी में है, है ना, तो विकल्प डी आंसर। अब देखिए जो यंग इंडिया था महात्मा गांधी का था, केसरी बी जी तिलक का था, और जो मीरात है ये किसका था? तो मीरात उल अखबार, जो कि 1822 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, और समाचार दर्पण ये 1818 में जॉन क्लार्क मार्शमैन के द्वारा, जीसी मार्शमैन, जॉन क्लार्क मार्शमैन। क्लियर हो गया? यंग इंडिया का प्रकाशित हुआ 1916 में, मीरात उल अखबार 1822 में, केसरी 1881 में, समाचार पत्र दर्पण 1818 में। आंसर डी, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी बंगाल में, बिहार में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो ये जो कूका आंदोलन है, प्रसिद्ध कूका आंदोलन जो कि 1857 के नियर अबाउट में हुआ, उसके दौरान ही हुआ, 1860 से 70 के बीच में, ये कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। और शुरुआत में धार्मिक था, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप उसने धारण कर लिया। तो कहाँ पर होता? पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ऐसा था जो आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह। तो इसमें जो है मेजर करतार सिंह नहीं थे, लेकिन मेजर जनरल शाहनवाज खान तथा कर्नल प्रेम सहगल एवं कर्नल शौकत अली, फिर इसमें थे मालिक आज़ाद सिंह, ये सब फौज के सैनिक थे। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह तथा निरंजन सिंह गिल के सहयोग से, कहाँ पर? टोक्यो जापान में। तो इनका जो औपचारिक गठन कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में 1943
43 में किया गया था। तो प्रथम ये टोक्यो में हुआ, फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सिंगापुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? पेप्सिन, लैक्टेस, जोरियस, जाइमेस। कौन सा एंजाइम है ये? ये है पेप्सिन, जो क्या करता है, प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिन पाचन तंत्र में प्रमुख प्रोटीन प्रोटियोलिटिक एंजाइमों में से एक है, और यह पाचन प्रक्रिया के दौरान क्या करता है, ये जटिल जो आहार में हमारे प्रोटीन होते हैं उनको क्या करता है, एमिनो अम्ल में विघटित कर देता है, जिससे इनका कन्वर्ट हो जाते हैं, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में टूट जाते हैं और आंतों द्वारा आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। तो किस एंजाइम के द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन में, एंड्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, थायरॉक्सिन। तो इसमें जो एस्ट्रोन हार्मोन है ये क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, क्योंकि यह महिला प्रजनन प्रणाली के विकास और विनिमय के लिए जिम्मेदार होता है। महिलाओं में तीन प्रमुख एस्ट्रोजन होते हैं, जिनमें एस्ट्रोजेनिक हार्मोनल गतिविधियां होती हैं, एस्ट्रोन, एस्ट्राडियोल और एस्ट्रिओल, ये तीन होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, पीपीसी, पीवीसी। तो दो पीवीसी हम चाहिए, पीपीसी लिख दिया है, ये पीवीसी है। ठीक है, पीवीसी। तो जो पीवीसी होता है ये बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया सकता, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक बहुलक पादपों जंतुओं में पाए जाते हैं, जबकि जैसे प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन, रबर, जबकि पीवीसी एक प्रकार का कैसा बहुलक है, संश्लेषित है, निर्मित है, हाँ, जैसे प्लास्टिक। तो इनको हम लोग विघटित नहीं कर सकते, इनका कोई बैक्टीरिया नहीं, इनका कोई फंगस नहीं इनको जो तोड़ सके। सुमेलित करना आपको, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, बिल्कुल सही है। कापर का क्या, कौन सा क्या सिनेबार है, कापर का क्या सिनेबार है, नहीं भाई। जिंक का कैलामाइन सही है, आयरन का हेमेटाइट सही है। तो देखिए एल्यूमिनियम के जो प्रमुख अयस्क हैं जिसमें बॉक्साइट है, कोरंडम है, फेल्डस्पार है, क्रायोलाइट है। कापर का जो प्रमुख अयस्क है जिसमें क्यूपराइट है, कापर ग्लास है, कापर पाइराइट है। जिंक का जो है वो जिंक ब्लेड है, जिनसाइट है, कैलेमाइन है। और आयरन का हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है। और मरकरी का सिनेबार है, मरकरी का सिनेबार है। तो ये जो सिनेबार है किसका है, ये सिनेबार मरकरी का अयस्क है, ना कि कापर का। क्लियर, तो आंसर आपका बी हो गया। समुद्री घास के तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, आयोडीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए समुद्र से हमको भरपूर मात्रा में आयोडीन मिलता है, तो नमक में इसलिए आयोडीन मिलाएगा। तो हालांकि सोडियम क्लोराइड हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन जो समुद्री घास है ये आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। जैसे फ्लोरिडा के दक्षिण में सबसे बड़ी समुद्री घास का मैदान है। समुद्री घास क्या करती है, ऑक्सीजन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है, इसी कारण से समुद्र का फेफड़ा भी कहते हैं हम लोग। तो सार्गेसो घास जो कि सार्गेसो सागर में, कहाँ पर है, यस्से के तटवर्ती क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया रोग, विटामिन बी वन बेरी बेरी। तब क्या विटामिन ए से गठिया रोग होता है, अरे भाई विटामिन ए की कमी से आँखों में दिक्कत होती है, रतौंधी आती है, हड्डी में दिक्कत थोड़ी होती है। तो क्या होगा, विटामिन ए से गठिया रोग नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती है। हड्डियाँ किससे कमज़ोर होती है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम से प्रभावित होती हैं। अंकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, क्लोरोमाइसेटीन, टाइफाइड नासी, क्रिस्टल पुरतरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। तो देखिए इसमें जो है एस्पिरिन एक
सैलिसिलेट औषधि है जिसमें दर्द निवारक का काम करती है, ये निश्चेतक का काम नहीं करती, जबकि क्लोरोमाइस्टीन का प्रयोग हम लोग टाइफाइड में करते हैं, क्रिस्टल का प्रतिरोधी में करते हैं, ठीक। और जो क्विनिन है इसका मलेरिया में प्रयोग किया जाता है, जबकि एस्पिरिन का दर्दनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि निश्चेतक के रूप में। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गाश्मीर रेशम, अहिंसा रेशम, क्या कहलाता है? तो मकड़ियों के द्वारा जो है उत्पादित रेशम को हम लोग बोलते हैं गाश्मीर रेशम। क्या बोलते हैं? गाश्मीर रेशम। तो शोधकर्ताओं ने मकड़ी के रेशम से बने हर्ट को मांसपेशियों से टिश्यू बनाया। इसी से एक सामान्य 70 किग्रा भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 600 मिलीलीटर, 6000 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर, कितना होता है भाई? देखिए, एक अगर स्वस्थ मनुष्य है, अगर उसका वजन 7 किग्रा है, तो उसके वजन का 7% रक्त होना चाहिए उसके शरीर में। तो इस हिसाब से 5000 मिली उसके जो है मिलीलीटर उसके शरीर में ब्लड होना चाहिए। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। अब ये तो बहुत ईजी सवाल है। सेंटीग्रेड से हम लोग तापमान मापते हैं, ना कि ऊष्मा। लाइफ हाई के समझे से कौन सा कथन सही नहीं? लाइफ हाई एक विस्तृत रूप, लाइट फिडलिटी, प्रकाश तद्रूपता है। लाइफ हाई, भारत में लाइफ हाई का सफल परीक्षण 29 फरवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया। लाइफ हाई का द्वारा 10 GB पर सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। नहीं, ये जो है LED बल्ब के सहारे इसका जो है लाइफ हाई का एक लाइट फिडलिटी है, जिसका आविष्कार 2011 में हेराल्ड रॉस ने किया था। किसने किया था? हेराल्ड रॉस ने। तो ये एक तरह का वायरलेस नेटवर्किंग सुविधा है, जिसमें लाइफ हाई द्वारा 10 GBPS स्पीड हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कितने एरिया में? 1 किलोमीटर के अंदर में। और ये बात भी सही है कि 29 फरवरी 2018 को इसका सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सफल प्रयोग भी किया गया था। तो ये ऑप्टिकल फाइबर से नहीं होता है, ऑप्टिकल फाइबर से वाईफाई या फिर हम लोग जो हम लोग का नेटवर्किंग सिस्टम है, जिससे हम लोग इसमें अपना नेट चला रहे हैं, ये इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं संचार सेवा में, लाइफ हाई में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है धारा मापी, विभव मापी, डायनेमो, विद्युत मोटर। तो देखिए इसमें कौन है? डायनेमो। कौन है? डायनेमो। तो डायनेमो क्या करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। जब एक डायनेमो को हम लोग जनरेटर की से प्रयोग में जब लाते हैं, या फिर किसी बाहरी शक्ति से उसे क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है, उसके कंडक्टर लगे रहते हैं और वो दो बेरिंग के साथ सेट कर दिया जाता है। और जैसे ही घूमने लगता है, जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होता है, और उस तुरंत ही कंडक्टर में बुंदित चुंबकीय प्रेरण पैदा हो जाता है। तो सिस्टम डायनेमो होता है, जिससे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? सूर्य का प्रकाश का, ऑक्सीजन का, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए, इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन का बल्कि उत्पादन होता है इसके प्रक्रिया के तहत। तो इसके लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, जल का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, तीन चीज़ों का होना जरूरी है। और आंतरिक कारकों में पत्तियाँ कैसे होनी चाहिए? हरी हरी होनी चाहिए, पढ़हरित होनी चाहिए, और साथ ही साथ तापमान भी चाहिए, टेम्परेचर। लेकिन ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन का इसके माध्यम से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणियों को संक्रमित करते हैं। ये बात क्या समझ में आ रही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, बिल्कुल। जीवाणु भोजी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु भोजों का प्रयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयोग करते हैं, ये भी बात सही है, अर्थात दोनों कथन सही है। ये आंसर हो गया हमारा सी। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में
ऋणात्मक मान नहीं होता है, सेल्सियम, फारेनहाइट, केल्विन, रियूमर। तो ये किसमें होता है? इसमें होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? ये तो बहुत कठिन सवाल आ गया भाई। अभी किसको कैसे निकालें? तो देखिए इसमें जो सवाल, इसको हल कैसे करते हैं, तो जब दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा 4:9 है तो इनके वेगों का अनुपात जो है गतिज ऊर्जाओं के वर्गमूल के बराबर होता है। तो दो, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो 2:3 हो जाएगा। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? गेहूं का, आलू का, मूंगफली का, गेहूं, आलू, गन्ना, कपास, आलू, गन्ना, धान। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जौ और मसूर का भी व्यापक स्तर पर उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। इनकी फसलों को सम्मिलित करना है और इसमें देखना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। बताइए, सरसों, क्या वरुणा सरसों की प्रजाति है? वरुणा क्या सरसों की प्रजाति है? बिल्कुल है। मटर का सपना प्रजाति है? मटर का सपना प्रजाति है। अलसी का क्या सूर्या प्रजाति है? मूंगफली का कौशल, देखिए अलसी का सूर्या प्रजाति नहीं है। सरसों का वरुणा सही है, मटर का सपना भी सही है, मूंगफली का कौशल। तो ये कुछ प्रजातियों को लेकर के हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सरसों के जैसे नरेंद्र अगेती है, वरुण है, बसंती है, रोहिणी है, माया है, उर्वशी है, नरेंद्र स्वर्ण है। मटर में स्वाति है, मालवी है, विकास सपना है, प्रकाश है। अलसी में जवाहर है, सुयोग है, सुरभि है, गरिमा है, श्वेता है, शुभ्रा है, शारदा, गौरव, शिखा। मूंगफली के प्रजातियों में प्रकाश, गिरनार, चित्रा, कौशल, अंबर, उत्कर्ष, दिव्या। तो देखिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन रहेंगे इसमें और एग्रीकल्चर में ये पोर्शन जरूर आप तैयार कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। निकित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरपाइरीफॉस, कार्बेंडाजिम, क्विनोलफॉस, बीटा क्लोर। क्या इसमें? तो इसमें जो है बीटा क्लोर है आपका। क्या है? बीटा क्लोर। तो बीटा क्लोर एसीटानिलाइड वर्ग का एक शाकनाशी है। किसका? एसीटानिलाइड वर्ग का एक शाकनाशी है। इसका उपयोग किस में होता है? भारत में बड़े पैमाने पर चावल के दानों में उभरती हुई शाकनाशी के रूप में किया जाता है। किसका? बीटा क्लोर का। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो कौन सा करता है भाई, बताइए कौन सा करता है भारत में? तो पश्चिम बंगाल भारत में चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? पश्चिम बंगाल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो मौसमी फसलें होती है धान की, यही कारण है कि वहाँ पर चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। भारत को वर्ष 2017-18 में अधिकतम कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला निकित में कौन सा देश था? सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट को एक बार संक्षिप्त रूप में आप देख सकते हैं। जैसे इसका घटना चक्र का भी आता है, आप आर्थिकी करके उसको भी आप एक नज़र में ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि वहाँ से इस तरह के ही प्रश्न आपको मिलेंगे, तो उसको ज़रूर क्लियर करिए। तो इसमें देखिए जो इस वर्ष का जो रहा है उसमें हम लोग इराक से सबसे ज़्यादा कच्चे तेल लाते थे, अभी भी इराक से स्थिति बनी हुई है। इनके में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अमेर, बेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपड़ी, जलोद्भिद। देखिए जो घटपड़ी है ये कीटभक्षी पौधा है और ये क्या होते हैं? एक शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम वाले जगहों में पाए जाते हैं। तो ये जलोद्भिद नहीं है, एक नेम इसको बोलते हैं नेपेंथेसी। क्या बोलते हैं इसे? नेपेंथेसी। बल्कि अब बाकी सब सही है आपका।
अमर बेल तना परजीवी है, ये भी सही है। चंदन जड़ परजीवी, ये भी सही है। आर्किड अधिपादप है, ये भी सही है। सूची एक को दो से मिलान करना है। फसल सर्वाधिक उत्पादक राज्य, बहुत अच्छा है। तो गन्ने में भाई कौन है? उत्तर प्रदेश। तो सी का टू तो ये तो दो विकल्प में दे दिया, अब क्या किया जाए? अर्थात ए या बी आंसर होगा, इतना तो कंफर्म हो गया। अब रबर कौन करता है? तो रबर का भारी मात्रा में उत्पादन केरल करता है, अर्थात डी का वन। जूट कौन करता है उत्पादन? तो जूट का उत्पादन होता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और चाय का उत्पादन असम में होता है। तो देखिए ए का 4 होना चाहिए, बी का 3 होना चाहिए, सी का 2, डी का 1, अर्थात विकल्प ए सही है। निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम बताइए। किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता है, ये डिस्कस करना है आपको। तो देखिए जो मृत्तिका होती है, यानी जड़ों टाइप की मृदा है, इसमें जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद गाद मिट्टी है, फिर उसके बाद बालू वाली मिट्टी है, सॉरी माफ करिएगा, मृत्तिका नहीं, इसमें जो है सबसे ज़्यादा मृत्तिका सही है, बालू फिर है, फिर उसके बाद गाद है, अर्थात आंसर बी हो जाएगा। संस्थान है, और इसमें से देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है, आप इसको जो भारत उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थान हैं या एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है ये, तो भारतीय कृषि का जो विभिन्न अनुसंधान संस्थान है उनका मुख्यालय कौन कहाँ पर है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो कि वाराणसी में है, केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान क्या ये श्रीनगर में है? ये श्रीनगर में नहीं है, केंद्रीय उपोष्ण जो संस्थान है आपका, एक तो उद्यान संस्थान लखनऊ में है, ठीक, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है भाई, ये आपके लखनऊ में है, ना कि श्रीनगर में। अब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय बागवानी संस्थान संस्थान जो कि बंगलोर में है, कहाँ पर है? बंगलोर में। तो बी आपका गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है, गेरुई गेहूं में पाए जाने वाले रोग है। अगैती झुलसा आलू में लगता है, बिल्कुल लगता है। झूठ कंठ फाल्स स्मट जो में पाया जाने वाला रोग है, खैरा धान में लगने वाला। देखिए सी नहीं है, सी में क्या है, जो झूठ कंठ रोग है फाल्स स्मट, ये चावल में पाया जाने वाला रोग है। किस में लगता है ये? चावल में नहीं, धान की फसल में लगता है, ठीक, ये जौ में नहीं लगता। कथनों पे विचार करिए भाई। मिट्टी के प्रजातियों में मृतिका अधिकतम जल धारण क्षमता करती है, बिल्कुल सही है। मृतिका में रंध्रा का जो काश है बड़े आकार के पाए जाते हैं, ये भी कथन स्पष्ट है, ठीक है, लेकिन आइए विचार करते हैं। पहला कथन तो 100% श्योर है, क्या मृतिका में रंध्रा काश बड़े आकार में पाए जाते हैं? मृतिका में रंध्रा काश बड़े आकार में पाए जाते हैं? नहीं, ये बड़े आकार में नहीं होते, इसलिए आर गलत है और ये सही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए मृदा जल धारण करने की क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है? मृदा की बनावट पर, मृदा के कार्बनिक पदार्थ और सामग्री पर। मृतिका में लगभग 20% रेत होता है, 10% सिल्ट होता है, लगभग 70% मृतिका होती है। जिन मृदाओं में सिल्ट तथा मृतिका का प्रतिशत जितना अधिक होगा उनकी जल धारण की क्षमता भी उतनी अधिक होती है। छोटे कणों में मृतिका तथा साल्ट की सतह क्षेत्र जो मिट्टी को अधिक मात्रा में पानी रखने की अनुमति देता है, और एक मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी जल धारण क्षमता को प्रभावित करती है। तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का स्तर बढ़ता है और पानी के लिए कार्बनिक पदार्थों की आत्मीयता के कारण जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे कोई संबंध नहीं, इसलिए कथन केवल ये सही है।
प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो ये कहाँ पर है? ये आपका है वाराणसी में, जो 22 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री के द्वारा दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र को समर्पित किया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था तृतीय क्षेत्र की भागीदारी 2016-17 में कितनी लाख करोड़ रुपए की थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अब हम लोग के लिए इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, यह है 52.8 लाख करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा? कृषि संबंधित उत्पाद, अभियंत्रिक वस्तुएं और वस्त्र रसायन। तो हम लोग जो है सबसे ज़्यादा निर्यात जो है अभियांत्रिकी वस्तुओं में, इंजीनियरिंग सामान में, सॉफ्टवेयर का करते हैं। किसका करते हैं? सॉफ्टवेयर का। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी भारत के से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है या सहभागी नहीं है? नेफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, इफको, MMTC। तो इसमें कौन संबंधित नहीं रहा है? इसमें जो है आपका इफको संबंधित नहीं रहा है, ठीक है। इफको घरेलू उत्पादन करता है और ये क्या करता है? उर्वरक का उत्पादन करता है, जबकि कृषि सामान ये नहीं बनाता है। तो ये उर्वरक का उत्पादन करता है, न कि कृषि सामान का। सूची एक को दो से आपको मिलान करना है, बांध है और नदी है। तो बताइए गांधी सागर किस नदी पर है? गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे, भाई गांधी सागर चंबल नदी पे। उकाई गुजरात तापी नदी पर, और तवा परियोजना तवा नदी पर, और दुलहस्ती चिनाब पर। ए का 2, बी का 1, सी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 3, अर्थात विकल्प डी सही है। सूची एक को दो से मिलान करना है, घास के मैदान और देश। देखिए जो पंपा शीतोष्ण कटिबंधी घास है और यह अर्जेंटीना में पाई जाती है। वेल्ड भी एक शीतोष्ण कटिबंधी घास है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, और डाउन्स भी एक शीतोष्ण कटिबंधी घास है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और पुस्टेज भी इसी प्रकार की घास है जो कि हंगरी में पाई जाती है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 तो है ही नहीं है, ए का 3, बी का 4 विकल्प ए में है आपका, ठीक है, इसलिए विकल्प ए सही है। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? यातायात, पर्यटन, तकनीकी शिक्षा, दूर संचार। ट्राई यातायात नियामक, पर्यटन तकनीकी शिक्षा, दूर संचार। तो ट्राई जो है एक नियामक संस्था किसके? दूर संचार के। स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सा सट्टेबाज नहीं है? दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया, स्टैग। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें दलाल नहीं है इसमें, ठीक है। तो तेजड़िया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शेयर बाजार में शेयरों की खरीदारी करता है, और जो इसी खरीदारी के कारण शेयर बाजार ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। मंदड़िया बेचने वाला हो गया, स्टैग उसी से रिलेटेड है, इसमें दलाल नहीं है। और मंदड़िया किसे कहा जाता है? उस निवेशक कहा जाता है जो अपने खरीदे गए शेयर को बेचता है, और फिर स्टैग ऐसे लोगों को कहते हैं जो प्राइमरी मार्केट में पैसा लगाता है, लगाना पसंद करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में नहीं, इनको स्टैग कहा जाता है जो डायरेक्ट कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, लोगों से नहीं खरीदते हैं। चिक्वी कामाटा चिली लेकिन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दुनिया की सबसे बड़ी एक विशेष प्रकार के खनिज की खान है, तांबा की, लोहा की, चांदी की, मैंगनीज। ये तांबे की सबसे बड़ी खान है विश्व की, चिक्वी कामाटा। कहाँ पर है ये? चिली में। निम्नलिखित में कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? टर्सरी, विंध्यन, गुंडवाना, धारवाड़। तो भारत में देखिए जो सबसे ज़्यादा खनिज भंडार पाया जाता है वो धारवाड़ में पाया जाता है। कहाँ से? धारवाड़ शैल समूह में, जिसमें अरावली पर्वत का क्षेत्र है, कर्नाटक का है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, लद्दाख का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, इसमें धारवाड़ प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं। इंडिया स्टेट और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? 21.04%, 21.54%, 20.54, 20.4। तो उस समय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 21.5, अब जो है 22% से ऊपर हो चुका है।
अंकित सूची को एक दो से मिलान करना है आपको, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण का आ गया आपका। तो देखिए जो इंतानिकी है वो नागालैंड का है, ए का थ्री। तो ए का थ्री दो विकल्प में है, सी और डी में है। अब बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का है, ये झारखंड का है, तो इसलिए बी का वन। तो ए का थ्री और बी का वन होना चाहिए। देखिए ए का थ्री और बी का वन, तो जो विकल्प सी में दिया हुआ है, तब आंसर हो गया आपका। सिरोही जो है कहाँ का है, मणिपुर का है, और गुंदोई कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहलाता है, भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट। इसमें इसको हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। तो भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसके बोलते हैं भूकंप मूल, फोकस, और जहाँ पर पृथ्वी की सतह सबसे पहले पहुँचता है इसे बोलते हैं भूकंप का अधिकेंद्र, एपिसेंटर। जापान के निम्नलिखित चार द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो देखिए जो सबसे उत्तर में है इसमें वह है होकाइडो, होकाइडो के बाद अगर जब आप आएंगे तो होन्शु जो कि बड़ा है, होन्शु के बाद फिर शिकोकू और फिर क्यूशु। सबसे दक्षिण कौन सा है, क्यूशु। तो होकाइडो सबसे उत्तर में है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूशु है। क्लियर, होन्शु शिकोकू सी को क्यू यानी क्यू सू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत की जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। तो बिहार की जो है जनगणना रिकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग जो बिहार की जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है, जबकि उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में कौन सा है, युद्ध, विपत्ति, जन्म नियंत्रण, अनैतिक व्यवहार। चलिए बताइए माल्थस के अनुसार क्या होना चाहिए। तो माल्थस के अकॉर्डिंग कहता है जन्म नियंत्रण, क्योंकि वो कहता है कि जो खाद्यान्न उत्पादन है वो इकाई अंकों में वृद्धि होती है, जबकि जनसंख्या का जो है ग्रोथ वो ज्यामिति रेट से बढ़ता है, अर्थात 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32 इस दर से जो है जनसंख्या बढ़ती है, जबकि खाद्यान्न का उत्पादन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता है। तो ऐसे में जन्म का नियंत्रण करना पड़ेगा, खाद्यान्न के साथ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे सबको भोजन प्रोवाइड किया जा सके। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश। आप तो देखिए आप रट के खूब आए हैं कि बिहार जो है, बिहार की सबसे जनसंख्या जो महिला साक्षरता है सबसे कम है, बिहार की सबसे कम है, खूब रट के गए आप, लेकिन यहाँ तो पूछ लिया, आप क्या करें। तो इसमें देखिए दिए गए राज्यों में जो स्थिति है सबसे कम जो साक्षरता है वो राजस्थान की है, किसकी है, सबसे राजस्थान की, और सबसे अच्छी स्थिति में कौन है, केरल है। क्लियर, तो केरल और आंध्र प्रदेश का जो महिला साक्षरता है वो बेहतर स्थिति में है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग, फिर जो है राजस्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है, नागालैंड, केरल, सिक्किम, मणिपुर। तो आप सब लोग रट के गए थे और सबको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर जनसंख्या अगर किसी ने पढ़ा है तो पढ़ा होगा कि नागालैंड का जो ग्रोथ रेट रहा है वो माइनस में रहा है, -0.58% इस पर कमी हुई थी, किसमें, नागालैंड में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता सर्वाधिक थी, मणिपुर में, पंजाब में, असम में, मध्य प्रदेश में। अब किस राज्य की साक्षरता इसके विकल्प के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। देखिए जो मणिपुर का है उसका 76.94% है, पंजाब का जो है 75.8% है, और असम का 72.19% है, मध्य प्रदेश का 69.32% है, जिसमें मणिपुर की स्थिति अच्छी है। तो पूर्वोत्तर भारत में जो शैक्षिक राज्य हैं उनकी स्थिति बेहतर है, ये एक बेसिक जो है क्लियर करिएगा। एग्ज़ाम के समय जनगणना का रिवीजन पूरा करा देंगे आपको, इस कदर करा देंगे कि जनगणना का क्वेश्चन नहीं भूलेगा आपको, बस आप जुड़े रहिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरी जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बताइए, ये है 31.16%। तो आज की इस सीरीज़ में
इस अंक में हम जो है इतने ही प्रश्नों पर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा तो भी ठीक नहीं है। तो कल फिर हम लोग इसका पार्ट टू हल करेंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं, इन्हीं के प्रश्नों का आगे का हल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ मित्रों, अगर पसंद आता है वीडियो तो शेयर करना कतई ना भूलें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।